हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसका चैप्टर का नाम है स्किल। स्किल डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे प्लेन स्किल है, डायगोनल स्किल है, वर्नियर स्किल है, कोड स्किल है, कंपेरेटिव स्किल है। इसमें फर्स्ट जो स्टार्ट किया है वो है प्लेन स्किल, मतलब साधारण स्किल को बनाना, कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे उसकी मैक्सिमम लेंथ निकालते हैं, कैसे उसकी पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, कैसे कंप्लीट स्किल बनाए, सब कुछ बताने वाला हूँ। इससे पहले जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ स्किल से रिलेटेड, वो आपने नहीं देखे तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारी डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे और देख सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि एक सामने न्यूमेरिकल लिखा है उसको मैं समझाता हूँ। लिखा है ड्रॉ प्लान स्किल, मतलब एक साधारण स्किल बनाना ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। क्या करना, जो 1 सेंटीमीटर है किसके बराबर है, 50 सेंटीमीटर के, मतलब 1 सेंटीमीटर क्या करें हम ड्राइंग शीट पे शो करा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 50 सेंटीमीटर को नहीं करा सकते। इसलिए वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना माना मैंने, 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर क्या होगी, हमारी एक्चुअल लेंथ होगी, मतलब वास्तविक लंबाई होगी। 1 सेंटीमीटर क्या होती है, जो जिस डिस्टेंस को हम ड्रॉइंग शीट पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंटेड लेंथ। टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर, मतलब मीटर और डेसीमीटर में स्केल को बनाना है। मीटर क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है, डेसीमीटर उससे छोटी होती है। तो जो हमारी पूरी कंप्लीट स्केल बनेगी पहले मीटर बनेगी, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो डेसीमीटर बनेगी। इस पर कुछ भी शो नहीं कराना, ऐसा नहीं लिखा है, है? हिंदी में लिखा पढ़ रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया है तो वो क्या होता है, आर एफ क्या होता है हम जानते हैं। आर एफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्या होता है फुल फॉर्म, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो जो होगा, जो भी हम दूरी ड्राइंग शीट पे ड्राइंग करना चाहते हैं जितना भी मानकर, वो ऊपर रहेगा, यहां पर 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, और उसके इक्वल जो भी एक्चुअल लेंथ होगी, जैसे यहां पर 50 सेंटीमीटर है एक्चुअल लेंथ, तो दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, हमेशा याद रखें, अगर दोनों में हम कंपेयर करेंगे, कम डिस्टेंस होगी या छोटी यूनिट होगी वो कहाँ रहेगी, ऊपर। और जो ज्यादा डिस्टेंस होगी जिसको हम हमें छोटा करके ड्रॉइंग शीट पे ड्रॉ करना पड़ रहा है उसको हमेशा नीचे रखते, जैसे मैं नीचे रखता, और यह हमेशा अनुपात में होता, फ्रैक्शन में होता, आर एफ हमेशा किस में, फ्रैक्शन में या अनुपात में निकलता है, ये याद रखते हैं। इसलिए ऊपर छोटी वैल्यू रहती है, नीचे बड़ी रहती है, और यह हम इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहती। तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू 1/50। अब ये तो आर एफ निकला है हमारा, लेकिन इसमें मैक्सिमम लेंथ नहीं दी, क्योंकि एल ओ एस होता है लेंथ ऑफ द स्केल। इसको निकालने के लिए हमें क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्केल, एल ओ एस लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ द स्केल इक्वल टू आर एफ, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ। ये फॉर्मूला होता है हमारा एल ओ एस का, लेंथ ऑफ द स्केल का। अब इस फॉर्म में देखा आर एफ तो है, मैक्सिमम लेंथ नहीं है, तो हम कैसे निकालें ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम लेंथ नहीं दी रहती है, उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें सॉल्व करने का जो तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लेंथ कंसीडर कर लेते, मतलब मान लेते, लेकिन वो मैक्सिमम लेंथ मानते नहीं है, उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम आपको बताते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक एल ओ एस लेंथ जो हमेशा किसी भी अपने स्केल को सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, उसमें या अदर किसी में, जब भी मैक्सिमम लेंथ नहीं दी गई है, याद रखें जब भी मैक्सिमम लेंथ नहीं दी, तो वहां पर हम एलओएस कितना मान लेंगे, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्केल मानेंगे, ड्रॉ करने के लिए नहीं मानेंगे, याद रखें ये मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए मानेंगे। तो हमेशा देखें किसी भी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम लेंथ नहीं दी है, तो वहां पर 15 सेंटीमीटर हम क्या मान लेंगे, एलओएस। तो यहां लिख देंगे कंसिडर एल ओ एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये याद रखें, ये परमानेंट नहीं मानी ना मैं इसको ड्रॉ करूंगा, इसको सिर्फ इसलिए माना मैंने जिससे हम इस एल ओ एस को निकाल सके या मैक्सिमम लेंथ को निकाल सके। तो एल ओ एस इक्वल टू क्या हुआ, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। अब यहां देख रहे हैं एल ओ एस कितना माना मैंने, 15 सेंटीमीटर।
आर एफ कितना मेरा बन हुआ है 50 इंटू मैक्सिमम लेंथ। अब यहां पर मैक्सिमम लेंथ अगर निकालना है तो हम मैक्सिमम लेंथ इधर लाएंगे, 50 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 इंटू 50। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी 750 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर 50 किसमें है, ये किसमें है जो हमारा आर एफ हमारा किस हमारा सेंटीमीटर, इसलिए यहां पर भी कितना होगा 750 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 7.5 मीटर, क्योंकि मीटर में डिवाइड करने के लिए सेंटीमीटर को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 मीटर। अभी मैक्सिमम लेंथ निकली, लेकिन मैक्सिमम लेंथ जो हमारी स्केल बनी रहती है वो मैक्सिमम लेंथ रहती है, तो अब हम किसमें मानेंगे पूर्णांक में, मतलब फुल डिजिट पूरा डिजिट मानेंगे, यहाँ पर कैसा अधूरा डिजिट है, मतलब 7.55 कैसा अधूरा डिजिट है, तो हम हमेशा मैक्सिमम लेंथ को फुल डिजिट में लेकर चलेंगे, मतलब पूर्णांक में लेकर चलेंगे। तो हम इसको मैक्सिमम लेंथ कितना मान लेंगे, माना मैक्सिमम लेंथ कितनी है 8 मीटर ऐसा मान लेंगे। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा मैक्सिमम लेंथ कैसे निकालते हैं, ये एलओएस मान के, हमेशा एलओएस 15 सेंटीमीटर मान के हम मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे। अब इसके थ्रू हम जो हमें एलओएस ड्रॉ करेंगे उसको निकाल लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ मिल गई हमें आरएफ मिल गया। अब इसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है एलओएस इक्वल टू क्या होता है आरएफ इनटू क्या होता है मैक्सिमम लेंथ, शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो एलओएस इक्वल टू हो जाएगा आरएफ कितना लिया 1/50 इनटू मैक्सिमम लेंथ कितनी निकाली हमने 8 मीटर। अब इसको अगर कन्वर्ट करते हैं 8 मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि हम एलओएस हमेशा सेंटीमीटर में ही निकालते हैं, क्योंकि हमारी स्केल किस में रहती है सेंटीमीटर में, तो 8 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या कितना हो जाएगा 8 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी एलओएस कितनी निकली 16 सेंटीमीटर। इसी एलओएस का यूज करके हम स्केल को ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले स्केल में कितना ड्रॉ करेंगे एलओएस जितना रहेगा 16 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स जो स्केल होती है मेरी उसको हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइंग शीट की बॉटम लाइन है नीचे की उससे हम सेट कर लेते हैं एकदम पैरेलल, इसको सेट कर लिया मैंने, इसके बाद जहां जहां पर भी हमें ड्राइंग करना है इसको वहां सेट कर लेते हैं, इस तरह रखेंगे। हमें कितना ड्रॉ करना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तो हम 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची मैंने 16 सेंटीमीटर, और ऊपर कितनी जाएंगे हम वर्टिकल लाइन है बहुत जाएंगे 1.5, कई जगह 0.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है, तीनों लेंथों में से अलग अलग कई बुकों में दिया है। तो मैं जो ड्रॉ करता हूँ 1.5 सेंटीमीटर से ड्रॉ करता हूँ, जो वर्टिकल लाइन होती है फिक्स मान के चलता हूँ मैं, जिससे हमारी अच्छे से पार्ट्स हो सके साफ सुथरी दिख सके। अब इसको देखो इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया, अब इसका बॉक्स बनाना कंप्लीट होता है, मतलब इतनी ही लेंथ का ऊपर खींचेंगे इतनी ही लेंथ उधर खींचेंगे, इस तरह ही बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह देखेंगे आप। इसमें यहां बंद कर देंगे, तो ये आपको दिख रही है इस तरह हमने एक बॉक्स कंप्लीट कर लिया, यहां पर 16 सेंटीमीटर खींचा, यहां पर 1.5 सेंटीमीटर किया जिसको हम फिक्स मानते हैं। अब इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे हम याद रखें जो ये स्केल खींचते हैं जो स्केल स्केल का पार्ट है उसको डार्क पेंसिल खींचते हैं, जैसे एच है और जो हम ए वर्क करने वाला है उसको हम 3S से यूज करेंगे, मतलब लाइट वर्क यूज करेंगे। याद रखें पेंसिल को ए हमने क्या किया, पेंसिल चेंज कर लिए और हम पेंसिल ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताते जा रहा हूँ उस तरह आप ड्रॉ करें, आप पेंसिल चेंज कर लें, यहाँ पर 3S यूज करें, ये जो स्केल है इसको देख रहे हैं आप, इसको ढीला कर लें, ढीला करने के बाद यहाँ पर इस कॉर्नर पर रख लें, और ये जो लाइन खींचने वाला है किसी भी एंगल पर खींच सकते हैं, कोई भी एंगल नहीं रहता, अपने अकॉर्डिंग ऐसा रख कर जितनी जगह है आपके पास जितना स्पेस है आपके पास उसके अकॉर्डिंग ऐसा एक लाइन खींचते हैं, यहां देखेंगे तो एक लाइट लाइन खींचती है, ये दिख रहा है आपको एक लाइन लाइट लाइन खींचती है। अब इस लाइन का क्या करेंगे, हम कुछ आर्क लगाएंगे, अब वो आर्क कैसे लगाते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें मैक्सिमम लेंथ पे जाना डायरेक्ट मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी दी देखें, जैसे दी नहीं थी लेकिन हमने निकाल ली, कितनी निकाल ली 8 मीटर। इस मैक्सिमम लेंथ को याद रखते हुए मैं समझा रहा हूँ, 8 मीटर दी है
किसी भी क्वेश्चन में जो मैक्सिमम लेंथ है उसको देखना है, लेकिन मैं सभी के लिए समझा रहा हूँ और मैं जो उसमें चॉइस होगी उसको मैं समझा दूंगा कि ये क्यों दिए। तो हम जानते हैं जैसे वन, अगर मैक्सिमम लेंथ 1 से 10 के बीच में दी है तो हम क्या करेंगे, एक एक के पार्ट्स करेंगे, कितने करेंगे, 1 1 के पार्ट्स करेंगे और उनको नंबरिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 इस तरह डेड डेस्ट कितने तक जाएंगे, 10। मतलब नंबरिंग कैसे करेंगे, 0 से 1 2 3 4 5 10। लेकिन अगर मैक्सिमम लेंथ 10 से 100 के बीच में दिए, कितने 10 से 100 के बीच में दिए, तो हम 10 10 के पार्ट्स करेंगे, कितना करेंगे, 10 10 के पार्ट्स। 10 10 के पार्ट्स कैसे शो कराएंगे, 0 10 20 30 40 इसी तरह कितने तक, 100 तक। लेकिन अगर 100 से 1000 के बीच में दिए मैक्सिमम लेंथ, तो हम कैसे करेंगे, जो पार्ट्स की नंबरिंग, मतलब 100 100 100 के पार्ट्स कैसे करेंगे, 0 100 200 300 400 इस तरह कंटिन्यू 1000 तक जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें हमारी कितनी है, 8 मीटर। 8 मीटर किसके अंदर में लगी, इसकी यूनिट से कोई मतलब नहीं आता, हमें जो ये डिजिट देखना है इसके बीच में आ रहा है, मतलब 8 किसके बीच में आ रहा है, 1 से 10 के बीच में आ रहा है, मतलब 8 1 से 10 के बीच में आ रहा है, मतलब हमें कितने 1 1 मीटर के पार्ट्स करना है, कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 8। लेकिन यहाँ पर 80 होता तो 10 से 100 के बीच में आता तो कितने के पार्ट्स होते, 0 10 20 30, लेकिन पार्ट्स 8 ही होते, लेकिन नंबरिंग का चेंज तरीका बन जाता है, 0 10 20 30 40। यही अगर मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर कितनी होती है, 800 होती, तो हमारा तरीका क्या होता है, 100 से 1000 के बीच में, 0 100 200 300, लेकिन पार्ट्स कितने करते, 8 ही। तो तरीका हमारा ये नंबरिंग देने का है, नंबरिंग देने से हम डिसाइड करते हैं स्केल कितने कितने पार्ट्स है, तो यहाँ पर कितने के, 1 1 मीटर के पार्ट्स होगा। तो हमारा इसमें देखो 1 से 10 के बीच में क्या आया, 8 मीटर आया, तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हम 8 पार्ट्स करेंगे टोटल। 8 पार्ट्स टोटल करने के लिए हमें क्या, किसकी सहायता लेनी पड़ती है, ये डिवाइडर, डिवाइडर का रूल्स क्या है, हम ये देखते हैं, इसकी भी कोई भी दूरी मेजर, जो डिस्टेंस या दूरी है मेजर नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग इसको कंसिडर कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेंगे इसको, जितना भी लेना हो इसकी भी कोई जरूरत नहीं, और यहाँ रखेंगे और हमें कितने पार्ट्स करना, 8 8 क्यों करना, मैं बता चुका हूँ। इस तरह हम क्या करेंगे, इसका आर्क लगाना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने एक आर्क लगाया यहाँ देख रहा है, इसी आर्क पर रखेंगे, जो आर्क लगाया है नेक्स्ट आर्क लगा देंगे, फिर नेक्स्ट आर्क पर रखेंगे, फिर 3 होगा जैसे ये, फिर नेक्स्ट आर्क पर रखेंगे जो लगाया है, 4 5 6 7 8 8 टोटल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये दिख रहा है स्केल, ये लाइट वर्क यूज करिए, मैं बता दूं इस वर्क के अलावा, जो हमारी रेक्टेंगुलर के अलावा सारा लाइट वर्क यूज कर रहा है, जब डार्क करना होगा मैं बोल देता हूं। अब ये लास्ट दिख रहा है, लास्ट पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे और यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे, जो लास्ट लास्ट आर्क और जो हमारी स्केल की लाइन खींची 16 मीटर की, 16 सेंटीमीटर की, उसका लास्ट पॉइंट यहां पर रख लेंगे। अब देख भी रहे होंगे कि कहां पर रखा है, और यहां पर क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे, किसको, इसको, यहां पर इसको टाइट कर दिया मैंने, टाइट कर दिया, टाइट ही रहने देंगे जब तक कि पूरी लाइन नहीं खींच ले। इस लाइन को हम कहां मिला देंगे, ऊपर, देख रहा है, इस लाइन को ऊपर मिलाया और इसको इसको छोड़ देंगे। इसके बाद जो भी पॉइंट है सबको हमें इसी टाइट एक बार की, उसको ढीला नहीं होने देंगे, और हमें और सारे पॉइंट्स को मैं क्या क्या कर देंगे, ऊपर की ओर मिला देंगे। इस तरह ऊपर की ओर मिला देंगे इसमें सारे पार्ट्स, नीचे से ऊपर की ओर, जिससे कि आसान हो, ऊपर से नीचे की ओर आने में प्रॉब्लम होगी, गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए ये नीचे से ऊपर की ओर मिला देंगे। अभी मिला दी, इसके बाद इस स्किल को हम क्या कर देंगे, ढीला कर देंगे, देख रहा है पॉइंट्स, हाँ, बेस लाइन पर सारे मिला दिए, इसको ढीला किया। अब इसको वर्टिकल सेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको सेट किया यहाँ, इस लाइन से जो स्किल की लाइन है उसी से सेट करना स्टार्ट करें, फिर से यहाँ पर टाइट कर दी। अब जो भी हमें पॉइंट मिले उन सबको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, जो पॉइंट मिले इनको कहाँ बढ़ा देंगे, ऊपर की ओर, इनको आप उनको स्किल में यूज कर रहे हैं इसलिए डार्क में बढ़ाए, मतलब एच का यूज करें, एच फैलती नहीं है, एचपी का यूज करेंगे तो कैसी है, फैलती हमारी ड्रॉइंग को काला कर देगी, इसलिए हम एच का यूज कर रहे हैं। और हमारा रिटर्न वर्क के लिए हम किसके यूज करेंगे, 2H का यूज करेंगे, 3H का लाइट वर्क के लिए यूज करेंगे।
इस तरह मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को कहाँ बढ़ा दिया, ऊपर की ओर बढ़ा दिया। अब हम इसको नंबरिंग देंगे, नंबरिंग कैसे देंगे, देखो 1 से 10 के बीच में मिलना है क्योंकि 8 मीटर है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिख लिया मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7। हम देखेंगे बड़ी बड़ी यूनिट क्या है, मीटर, तो यहां पर लिख देंगे मीटर। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मीटर। याद रखें यहां पर 2H का यूज करेंगे, किस लिटल मार्क के लिए किस पेंसिल का यूज करेंगे, 2H का, ये पेंसिल का नाम लिख रहा है, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना। इसके अलावा आप और भी स्केल जहां बनाते हो क्या क्या लिखना है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो आप यहाँ पर वैसे भी गिवन लिखते हैं उसको लिख सकते हो वहां पर। अब हमें क्या करना, लास्ट पार्ट के हमेशा जो पार्ट छोड़ देते हैं नंबरिंग के लिए उसको हमेशा 10 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 भागों में डिवाइड करने के लिए वो तरीका वही है, यहाँ इसको रखेंगे जो हमारी मेन डायरेक्ट्रिक्स की ढीला करेंगे उसको रख देंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर है वहां पर इसको रखेंगे और क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे किसी भी एंगल, किसी भी एंगल पर मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी और डिवाइडर उठाया, डिवाइडर में लेंथ ली जितनी भी आप आ सकें, जितना आसान है आर्क लगाने में आसानी है सो उतना लेने, कोई भी मेजरमेंट नहीं करना, और यहाँ इस कॉर्नर से रखना स्टार्ट कर दें। हमेशा कितने पार्ट करना, 10, मतलब 10 आर्क लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या किया, 10 आर्क लगा दिया, आप देख लें ये दिख रहा है यहाँ पर 10 आर्क लगा दिया। प्रोसीजर वही, जीरो वाले पॉइंट पे देखें, जीरो वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, जीरो वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट तो ऐसा रख के सही से पॉइंट मिलना चाहिए ऊपर नीचे, इसको रख के क्या करेंगे हम टाइट कर देंगे। हमने स्केल को क्या किया, टाइट कर दिया, यहाँ पर स्केल को टाइट कर दिया। हम क्या करेंगे, अपनी जो लाइट वर्क यूज कर रहा है इसके लिए, लाइट वर्क के लिए हम मतलब 3H का पेंसिल का यूज करेंगे, 3H पेंसिल उठाएंगे। हम जो पेंसिल यूज कर रहे हैं याद रखें इससे आपको साफ सुथरा दिखे, क्योंकि पेंसिल से यूज करते तो आपको दिखता भी नहीं। हमने लास्ट पॉइंट को क्या किया, हमने इससे मिला दिया लास्ट पॉइंट, सारे पॉइंट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, याद रखें सारे पॉइंट्स कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, इस चीज को आप याद रखें। इस तरह हमने पॉइंट ये बढ़ा दिए, इस तरह मैंने क्या किया, सारे पॉइंट नीचे ऊपर की ओर बढ़ा दिए। यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो रहा, तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट कम लगा ना, यहाँ मिला, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आएगा। इसके बाद स्किल को ढीला करेंगे, फिर से वर्टिकल जो लाइन है उससे यहाँ पर रख के इसको सेट करेंगे, स्किल को, स्किल को सेट कर लिया, देख लिया वर्टिकल सेट हो गई है। अब इस पॉइंट सारे पॉइंटों को हम ऊपर की ओर मिला देंगे, यहाँ पर स्किल को डार्क बना देंगे इस तरह, सारे ऊपर की ओर बढ़ा दिए मैंने, इस तरह फ्रेंड्स। अब हम देख रहे हैं ये मीटर हुआ तो ये क्या होगी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिखने के लिए हम 2H का यूज करेंगे, तो यहां लिख देंगे सेंटीमीटर, इस पे कोई भी दूरी शो नहीं कराना। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिख रहा है, जैसे मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ के बताता देता हूँ मैं कि आपको कहीं भी शो नहीं कराना। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी दूरी शो नहीं कराना, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर में एक स्केल बनाना। तो मैंने सेंटीमीटर और मीटर में एक स्केल तैयार की है, तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लिखना चाहते तो यहाँ पर आर एफ इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखना चाहते नीचे तो आर एफ इक्वल टू लिख देंगे 1/50, और LOS भी लिख सकते हैं, LOS इसका भी कितना है 16 सेंटीमीटर। इस तरह आप रिटर्न वर्क भी कर सकते हैं इसके जस्ट नीचे, अगर आपने किसी कॉपी में कैलकुलेशन किए और ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं इसके, तो आप इस तरह लिख के आए। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।